अबे इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम गई है। उम्मीद करता हूँ कि इस कुल्फी का स्वाद भी मीठा होगा। वो झाड़ फूक करने वाली औरत जैक को वापस क्यों नहीं ले आती जिस तरह वो बारबोसा को ले आई थी? क्योंकि बारबोसा सिर्फ मरा था, जैक स्पैरो की आत्मा और शरीर कैद किए गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ मौत नहीं बल्कि सजा दी जाती है। जरा सोचो इससे बुरी किस्मत भला एक आदमी की क्या हो सकती है। ऐसा दर्द जिसका कोई अंत नहीं, यही मिलेगा डेवी जोन्स के मौत के जाल में। मैंने कहा था ना कि कुल्फी मीठी होगी। यहाँ तो कुछ भी सही नहीं है। ये आजकल के नक्शे जितना सही नहीं हो सकता। लेकिन हमें कितने सारे समुद्री रास्ते दिखाता है। दुनिया के आखिरी छोर से और दूर उगता सूरज डूबता है, दिखती है चमक हरे रंग की। इसका मतलब समझाएंगे कैप्टन बारबोसा? मुझे बताओ, कभी हरे रंग की चमक देखी है तुमने गिब्स? उस चमत्कार की झलक देख चुका हूं। खास मौकों पर ही वो दिखती है। सूर्यास्त का आखिरी नजारा, जब एक हरी सी रोशनी आसमान में फैल जाती है। कई लोग पूरी जिंदगी उसे देख नहीं पाते, कई देखने का दावा करते हैं जबकि उन्होंने देखा नहीं होता। ये तब दिखती है जब कोई आत्मा मौत की दुनिया से लौटकर इस दुनिया में आती है। माफ कीजिए। मेरा यकीन मानो नौजवान टर्नर, मौत की दुनिया तक पहुंचने में इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी वापसी में होती है।